नमस्ते, मैं गीता खरब। आपको आज ये बैग बनाना बताऊंगी। हमने ये बैग बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी स्पेस भी है। इसमें हमने पॉकेट भी लगा रखी है और साइड में ये हमने पाइपिंग भी इसमें लगा रखी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। अभी हम बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसकी विड्थ रखेंगे हम 17 इंच के करीब। इसकी विड्थ है थोड़ा सा कम है, इसकी विड्थ 17 इंच से। और इसकी लेंथ रखी हमने 31.5 इंच इसकी लेंथ होगी। इसमें से हमें टू पार्ट बनाने हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अभी हम इसको उल्टा रखते हैं और इसमें हमें फोम लगानी है। ये हम फोम इसमें बीच में लगाएंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा और सेम साइज का, जितना साइज का हमारा नीचे वाला कपड़ा है, ऊपर वाला भी हमने ये सेम साइज का कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम इसके ऊपर रखते हैं। अभी हम इसमें साइड में पिंस लगाएंगे ताकि जब हम इसकी कपड़े को सिलेंगे तो ये हमारा कपड़ा ऊपर नीचे साइड में से कहीं इधर उधर ना जाए। ऐसे दूसरे साइड पे पिंस लगा लेते हैं। अभी हमें ऐसे करके इसमें सिलाई लगा के लेके आनी है। हमने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर दी है, अभी हमें क्या करना है, दूसरे साइड की सिलाई भी ऐसे कंप्लीट करनी है। इस तरह से ऐसे सिलाई लगा के इसमें भी लेके आएंगे हम बाद में। अभी हमने ये साइड के क्लॉथ के लिए कपड़ा लिया हुआ है, इसकी विड्थ रखी हमने 4.5 इंच। आप इसकी विड्थ ज़्यादा भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं, डिपेंड। अगर आपको ज़्यादा गैप वाला बैग चाहिए तो आप इसमें इसकी विड्थ ज़्यादा रखेंगे। सेम हमें इन दोनों कपड़ों को इस ऊपर नीचे रखना है और इस पर भी हमें सिलाई लगानी है सेम ऐसे ही। जैसे हमने इसको रेडी किया हुआ, सेम हम नीचे वाले को भी रेडी करके लेके आते हैं। ऐसे दोनों साइड में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने ये पट्टी रेडी कर दी है, इसकी टोटल लेंथ हमें रखनी है, हमने उसको नापा है। इसकी लेंथ हमें तीन साइड आएगी 44 इंच, तो 44 इंच की लंबी हम ये पट्टी लेंगे। अभी हमने ये कपड़ा था हमारा जो ये रेडी हो गया है, इसको हमें टू पार्ट बनाने हैं, फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। इसको हम दो पार्ट में कट कर लेते हैं। ये हमारा कट हो गया है। ये 59.5 इंच इसकी एक साइड बची है और 16 इंच की एक साइड बची है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे से थोड़ा सा हम इसको राउंड शेप देंगे। हल्का सा हमने 1/2 इंच की इसकी कटिंग की है, ज़्यादा नहीं की हमने। अभी हम इसको देखेंगे इसमें हमारी पट्टी की लेंथ कितनी है। ये 44 इंच बची है हमारी पट्टी की लेंथ जो हमने बना रखी है। इसकी विड्थ हमने रखी थी 4.5 इंच और इसकी लेंथ भी हमने रखी है 44 इंच। 44 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे और इधर से हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारी साइड का कपड़ा हो गया। अभी हमें इसको क्या करना है, आगे इस पर स्ट्राइप्स लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच से ऐसे फोल्ड करते हैं और 3 इंच पे हम ये निशान लगाते हैं फोल्ड करने के बाद। और नीचे से हमें ये 5 इंच छोड़ना है। अगर आप चाहे तो पूरे पे भी स्ट्राइप्स लगा सकते हैं अगर हम इसके, लेकिन हम नीचे से 5 इंच छोड़ के ही नीचे से स्ट्राइप्स लगाएंगे। इधर से भी हम ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे, बीच में हमारा एक 6 इंच का गैप हो जाएगा स्ट्राइप्स में। और 3 3 इंच पे सेम ऐसे निशान लगाएंगे जैसे हमने उधर की साइड पे लगाया था इसके। और नीचे से इसको 5 इंच छोड़ेंगे। इधर से हमने ये निशान लगा दिए ऐसे करके। अभी हम इस पे स्ट्राइप्स लगाते हैं। ये हमारी स्ट्राइप्स है, इसकी लेंथ रखी हमने 42 इंच इसकी लेंथ रखी स्ट्राइप की। अभी इसको इधर से रखेंगे ऐसे करके और इसके मोड़ के इधर से ऐसे लेके आना है और इसको सिलना है। अभी हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं।
हम एक साइड में इसके पॉकेट लगाएंगे और दूसरी साइड में हमें इसमें पॉकेट नहीं लगानी है। आप चाहें तो इसके दोनों साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। अभी हम आगे पॉकेट लगा के दिखाएंगे दूसरे वाले पार्ट पे आपको। हमारी एक स्ट्रैप्स लग गई है, सेम हम दूसरी वाली स्ट्रैप्स भी लगाते हैं भी ऐसे ही दूसरे साइड में, इधर की साइड इस पे भी ऐसे ही सिलाई लगाते हैं। ये हमें ऊपर से हाफ इंच छोड़ना है, ऊपर तक बिल्कुल ऊपर तक नहीं लगानी है, हाफ इंच हमने छोड़ना है ताकि हम ऊपर वाले कपड़े की जब सिलाई करेंगे तो ये स्ट्राइप्स हमारे बीच में ना आए। हमारी एक साइड में स्ट्राइप्स लग गई है, ये हमारी स्ट्राइप्स लग गए। अभी हम इसमें पॉकेट है, ये हमारी पॉकेट के लिए क्लॉथ है। इसकी विड्थ रखी हमने 7.5 इंच और इसकी लेंथ रखी हमने 8.5 इंच। अभी हम इसको जिप लगाते हैं। जिप को हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने जीप को खोल के पीछे किया है ताकि हमारी सिलाई अच्छे से लग जाए। ये हमारी जीप इस पर अटैच हो गई है पॉकेट पे। अभी हमें इसको, ये हमारा दूसरे वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमें इसको अटैच करना है। ये हमारी पॉकेट कुछ ही इस तरह से आएगी। हम इसको ऐसे उल्टा रखेंगे और इधर से सिलाई लगा के लेके आएंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, ये हमारी पॉकेट ऊपर से अटैच हो गई है। अभी हमें नीचे से इसको फोल्ड करना है और साइड में इसकी सिलाई लगानी है। दोनों साइड में इसकी सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसको फोल्ड करना है। अभी हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। और नीचे एक साइड से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अभी हम इधर से भी सिलाई लगा देते हैं इसकी। और हमें पॉकेट के साइडों में इसकी स्ट्रैप्स लगानी है, इसलिए हमने इसको सीधा ही सिलाई लगाया है। ये हमारी पॉकेट ऐसे लग गई है इसमें। अभी हमें क्या करना है, स्ट्रैप्स लगानी है, इसके ऊपर से रखेंगे और इधर से सिलाई लगा के लेके आएंगे। सेम इधर की साइड पर स्ट्रैप्स को घुमाएंगे ऊपर से और इसको इधर पर रखेंगे और इसकी भी सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें ये कंप्लीट करके लेके आना है। अभी हमने ये पॉकेट बना दी, हमारी पॉकेट बन के कम्प्लीट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी साइड की पट्टी है, इसको इसके ऊपर रखना है इधर से और ये ऐसे करना है, इसको घुमाते हुए जाना हमें और ये इधर पे आके ऐसे रुक जाएगी। आप चाहे तो हमने 44 इंच की स्ट्राइप्स ली है, आप 2 इंच ज़्यादा रखें इसको ताकि आपकी छोटी बड़ी ना होए। हमने पूरी एक्यूरेट ली है, बड़ी नहीं रखी है। आप 2 इंच बड़ी रखेंगे तो आपके लिए बेटर होएगा। 46 इंच आप इसकी स्ट्राइप्स रख सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगा तो आप उसको कट भी कर सकते हैं, छोटी नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसको ये घुमाते हुए लेके जाना है।
ये ऐसे पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमारी एक साइड से ये स्ट्रैप्स लग गई है। अभी ये हमारा बैग कुछ ही ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लगाना है इसके ऊपर। इसको ऐसे रखेंगे और इधर से जैसे हमें नीचे वाली स्ट्रैप्स लगाई है सेम हम इसको भी लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे इसको घुमाते हुए जाएंगे और इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये हमने सीधे सीधे वाले पार्ट इधर रखे हैं, बैक वाला पार्ट हमने बाहर बाहर साइड रखा है, आउट साइड। अब ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं इस पे। और हमारा बैग ही कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। साइड में हमारी पट्टी है कुछ ऐसे लग गई है। और सीधा करने के बाद ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने पट्टी 4.5 इंच पट्टी रखी हुई है, इसको हम बीच से कट करते हैं। इसमें हमें जिप अटैच करनी है, ऊपर की साइड हम इसको लगाएंगे। इसको बीच से पहले हमें कट करना है। ये हमने जिप के लिए ली है पट्टी को और इसको कट कर देते हैं। अभी हमने इस पट्टी को कट कर लिया है। सेम साइज़ की हमने साइड में पट्टी लगाई थी और सेम साइज़ की हमने ये वाली पट्टी ली है। अब इसको हमें जिप लेना है और इसको इधर से ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। अभी हम इस पे सिलाई लगाते हैं। अभी ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को भी लेंगे, इसका जो हमने कट किया था दूसरे साइड पे इसको अटैच करना है। इसके इधर हम इसको अटैच करते हैं। अभी हमारी जिप अटैच हो गई है इस पे। इसकी टोटल लेंथ रखी हमने इधर से इधर तक 16.5 इंच। अब हमारे उसकी बैक की जो उसकी विड्थ है 15.5 इंच उसकी हमारी वो है। हमने 1 इंच इसकी ज़्यादा रखी हुई है तो हमने थोड़ा सा इसको आगे से ऐसे छोड़ देना है, इधर से ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। इस पर हम पिंस लगाएंगे, ऐसे करेंगे सेम ऐसे ही। हमें इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगा, ये हम उसको बाद में कट कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे ही करना है, इसको ऐसे रखना है और इस पर पिंस लगानी है। अभी हम इस पर दोनों साइड में पिंस लगा के लेके आते हैं। इसको ऐसे अच्छे से ऐसे अटैच करेंगे और इस पर पिंस लगाएंगे ताकि सिलाई करेंगे तो हमारा अच्छे से सिलाई लग जाए। हमने ये पिन अटैच कर दी इस पर। अभी हम सिलाई लगाएंगे तो इस पर जल्दी से हमारी सिलाई लग जाएगी। हमने सिलाई लगा दी है, हमारा ये अटैच हो गया है। साइड से हमारा ये खुला हुआ है, अभी हमें इसको इधर से सिलना है। सेम हमारे इधर से भी खुला हुआ है, इसको भी हम दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और इन पे सिलाई लगाएंगे। इधर से हम इसकी सिलाई लगा के लेके आते हैं। अभी हमने ये सिलाई लगा दी है इधर की साइड भी, इधर की साइड पर भी। अभी हम इसको खोलते हैं
हमारा ये बैग बन गया। आप चाहें तो इस पे पाइपिंग लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे रखेंगे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपका ऐसे बैग बन जाएगा। अभी हम इसके लिए पाइप, ये हमने स्ट्राइप्स ली हुई है जिसके वजन हाफ इंच हमने लेंथ विड्थ रखी है, और इस स्ट्राइप्स को हमें इस तरह से ऐसे इस पे लगाना है, ऐसे करना है। पूरे में हमें इधर से लेके इधर तक चारों ओर इसके सिलाई लगानी है। हमने देखो एक साइड में ये लगा दिए स्ट्राइप्स, हमारी स्ट्राइप्स लगने के बाद ऐसी दिखाई दे रही है। अभी हमें क्या करना है, इस स्ट्राइप्स को फोल्ड करना है। फोल्ड करना है ऐसे करेंगे फोल्ड करके, और इसको फिर से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमारी ये पाइपिंग बन जाएगी। आप पाइपिंग बनाना चाहे तो पाइपिंग बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो वैसे भी बैग को रख सकते हैं। अभी हम इसको सिलाई लगा के लेके आते हैं। दोनों साइड में हमें पाइपिंग लगानी है बैग के। ये हमारा बैग बन गया, हमने पाइपिंग लगा दी है इसमें। ऐसे हमारी ये पाइपिंग लग के रेडी हो गई है, और ये हमारे काफ़ी स्पेस भी, हमारी ये काफ़ी बड़ी बन वो पॉकेट भी बन गई है, और बैग में भी काफ़ी स्पेस बन गया है, और बैक साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।